नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मुंबई से सीधे अभिनेता गौरव द्विवेदी जी जुड़ गए, जिनसे हम आज खास बातचीत करेंगे। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद में। शुक्रिया, धन्यवाद। गौरव जी, आप एक अभिनेता के तौर पर, और देखिए कोरोना वायरस जैसी बीमारी आती है वो संपूर्ण जगत को उसने परेशान कर रखा है, और आप एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं, तो किन किन कठिनाइयों और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुंबई में सारी तरह से देखा जाए काम बंद हो गया, एक तरह से अगर देखें तो संपूर्ण कर्फ्यू लग जाता है, तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? भाई, मेरे चैलेंजेस तो उतने बड़े नहीं है जितने औरों के हैं, लेकिन हाँ, तो बड़े छोटे छोटे चैलेंजेस थे। तो कठिनाइयों की शुरुआत तो ये हुई थी कि जो आराम पसंद जिंदगी थी उसमें झाड़ू पोछे का काम आ गया, फिर बर्तन धोने का काम आया। खाना तो मैं स्वयं बनाता था, लेकिन रोजाना नियम अनुसार खाना बनाना, तो मालूम पड़ा भूख बहुत बड़ी चीज होती है जी। आर्थिक रूप से भी कष्ट, ऑफकोर्स इतने दिनों से काम नहीं हो रहा है तो वो भी है, लेकिन हाँ, फिर मेरा आर्थिक रूप का कष्ट जो है वो उतना बड़ा नहीं है जितना और लोग गुजर रहे हैं, या जितना देश में या दुनिया भर में लोग गुजर रहे हैं। तो यही शुरुआती कष्ट थे। और मैं इतना सामाजिक, मतलब दोस्तों यारों में ज्यादा घूमने वाला आदमी नहीं हूँ, तो वो दिक्कत नहीं आई कि घर में बैठना पड़ रहा है। अच्छा गौरव जी, देखिए जिस तरह से, मतलब एक तरह से संपूर्ण लॉकडाउन होता है और कर्फ्यू की तरह लग जाता है, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में गिरावट आती है। अच्छा, इस बॉलीवुड में इस बीच में देखा गया कि लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत हो रहे हैं, और कई लोगों ने देखे सुसाइड जैसा, मतलब मैं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो आपको अगर देखें तो जनता जो है वो आइडियल समझती है आपको, मतलब आपको, आपसे बहुत कुछ सीखती है अपनी ज़िंदगी में, उसको लगता है कि नहीं नहीं मुझे इस तरह से बनना है, इनकी तरह से बनना है, क्योंकि वो जो पर्दे पर दिखाई पड़ता है उससे बहुत लोग भावनात्मक तौर से भी जुड़े रहते हैं। तो ये कैसे देखते हैं आपकी जो डिप्रेशन की स्थितियाँ बन रही हैं बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखा गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बंधु, मैं जहां तक समझता हूँ तो डिप्रेशन तो हर फील्ड में है जी, और सिर्फ इसी वक्फे में नहीं है, पहले भी था और आगे भी होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। जैसा कि आपने कहा, चकाचौंध की दुनिया है, लोग आइडियल बना लेते हैं, या लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि आपकी उपेक्षा जब होने लगती है तो आप थोड़ा विचलित हो जाते हैं जी, बिल्कुल। हाँ, वही एक कारण मुझे लगता है मुख्यतः जो है जिसके पीछे, और तो मैं क्या बोलूं यार, डिप्रेस तो हर कोई है, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन वही है जो पुराने शायर और कवि कह गए हैं कि जिंदगी जो है वो मुश्किलात की वो है और ये है और आपको लड़ना ही है, तो वही चलने दीजिए और हौसला बनाए रखिए। ये जरूर मैं मानता हूं कि वो जो बचपन में हम सुनते थे ना, जो देखिए ज्ञान के लिए ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है जी जी, जो मुद्दे होती है वो बिना पोथी और बिना उसके हो जाता है। तो वो कहते हैं ना, जिसको पेट मिलता है उसको भोजन भी मिल जाएगा और साथ पर हिलाने हैं। तो इसी चलने दीजिए, बाकी तो गाड़ी बंगले की ख्वाहिशें जितनी रहेंगे उतनी कम है, इसका कोई अंत नहीं। अच्छा मुझे गौरव जी ये बताइए कि देखिए, इस मैंने बताया कि माया नगरी मुंबई में आप रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है, और तभी आप इस मुकाम पर आज पहुंचे। कैसा लगता है आपको, मतलब इतना बड़ा काम करने के बाद, और जब लोग आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं देखिए वो जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग आती है उस समय की? भाई, इतना तो अभी कोई नहीं कहता कि वो जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आप जैसे कुछ चाहने वाले हैं जो पहचान लेते हैं जी। देखिए, वो मैं जब पढ़ता था तो किसी अंग्रेज एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली थी कि यू शो मी एन एक्टर हु डजंट लाइक फेम एंड आई विल शो यू अ लाइफ। तो जहां तक वो है कि हाँ, पहचान, नाम और चकाचौंध, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वही देख के हम सब लोग शुरुआत में सोचते हैं एक्टर बनने का। लेकिन जैसे जैसे आप एक्टर बनने लगते हैं, तो फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का पढ़ा हुआ हूँ भाई, FTII पुणे जी, और हमारे यहाँ सब बहुत बड़े बड़े कलाकार आए जो इंस्टीट्यूट के ही पास आउट थे, नसीर साहब, ओम साहब, शबाना आजमी, जयाज और भी कई लोग। और वो सभी लोग हुआ फिरा के यार एक बात जरूर बोलते थे कि अच्छा इंसान बनो। तो बहुत लोग तो मैं सोचता रहा, ये अच्छा इंसान होता क्या है, किस खेत की मूली है। तो ये समझ में आया कि सहृदयता ऐसी हो कि आप दोनों पक्षों के जूते में जा सके जी, किसी सिचुएशन में,
और शायद वही एक अच्छा अभिनेता बनाती है कि अगर आप हीरो बन रहे हैं या आप विलन बन रहे हैं तो आपको दोनों पक्षों की बात पता है। ऐसे मुंशी प्रेमचंद मेरे बड़े प्रिय लेखक हैं, तो नमक का दारोगा अगर आप देखेंगे तो जो घूस ले रहा है उसके पास भी अच्छे रीजन है ये बात बोलने के कि मैं घूस क्यों ले रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। नमक का दारोगा मैंने भी पढ़ा है बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि दायित्व आपका ये बढ़ जाता है कि आप अच्छे इंसान बने। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, अच्छे इंसान होने के साथ साथ में अगर मतलब जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कहा कि आप जैसे लोगों को जब लोग फॉलो करते हैं, आइडियल अपना समझते हैं, तो एक अच्छा इंसान समझ के फॉलो करते हैं, तो आदमी को अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक रवैये को अपनाना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जितने लोगों को आप मौका दे सके, लाभ उठा सके आपका लोग, उनको आप फ़ायदा भी दिलाइए उतना। मतलब जैसे देखिए, बहुत सारे छोटे शहरों से लोग पहुँचते हैं, वो सर वो कहते हैं ना कि सबसे शरारती बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दो, तो वो दायित्व जो है वो आपको बहुत वो कर देता है। जैसे अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आपके लहजे में कोई खोट ना आए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वैसे सब कुछ है कि अगर लोग इतना पसंद करते हैं तो आपको भी फिर अपने आचार विचार सूरत सीरत हर चीज में काम करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग, जब मैंने बताया कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवालात भी हमारे पास में हैं। बीच बीच में मैं उन सवालात को आपसे पूछता रहूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कुछ गार्जियंस का कहना है कि हम अपने बच्चे को एक्टिंग की दुनिया में भेजना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कभी कभी घबराहट होती है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है कि माया नगरी है, कुल मिला के वहाँ रहने के लिए संघर्ष है, खाने के लिए संघर्ष है, बहुत सारे स्ट्रगल आपको करने पड़ते हैं। और जाहिर सी बात है, जब लोग सक्सेस नहीं हो पाते तो वो कहीं ना कहीं इसी डिप्रेशन की ओर जाते हैं। आपने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जब की होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपके भी सामने हैं, कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर करिए और बताइए उन लोगों के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, समय आना चाहते हैं मुंबई। बंधु, मेरी हालत उतनी खराब तो नहीं थी, मैं दो वक्त जाता था, लेकिन हाँ ये थे कि अरमान पूरे नहीं हो पाते थे, और अभी भी मैं ये कहूंगा कि संघर्ष चल रहा है। संघर्ष का कोई अंत नहीं। ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, कोई आपका प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई ग्रेच्युटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, और शुक्रवार के शुक्रवार से ऐसे नया काम आता है। और लोग बहुत जल्दी, जैसे आज कोई फिल्म रिलीज हुई, माझी द माउंटेन मैन मेरी फिल्म आई, और मैं पत्रकार बना था, आप जैसा ही एक किरदार निभाया था, तो आप यकीन मानेंगे फिल्म आने के दो दिन बाद लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था, अगला काम कब आ रहा है। तो वो दिक्कत तो रहती है पैसे के रूप में भी, और मानसिक तौर पर भी बहुत प्रेशर रहता है। जी, रही बात बंबई की, मुंबई की तो आप ठीक कह रहे हैं, रहना बहुत महंगा है, खाना तो हर जगह एक जैसा ही है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई पालकों को या जो भी आपसे पूछ रहे हैं कि एक्टर तभी बने जब आपको लगता है कि इसके अलावा मैं मर जाऊं। यकीन मानिए, मतलब बहुत मुश्किल है भाई, मुश्किल है। अच्छा, तो आप इसको कहाँ देखते हैं, नेपोटिज्म को किधर देखते हैं? जैसे भाई भतीजावाद जो है इस समय बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे रिश्ता है इसका? अगर कोई जिसकी जान पहचान नहीं है और अपने काबिलियत के बलबूते पर वो जा रहा है वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि है बॉलीवुड में? त्रिवेदी जी, वो तो आपकी फील्ड में भी होगा, मेरे ख्याल हर जगह ही है। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है, वकील अपने बच्चे को वकील बनाता है कि भाई वकालत सेट हो गई है, हमारी डॉक्टरी सेट हो गई है, अस्पताल बन गया है, कोई संभालने वाला आ जाएगा। पॉलिटिशियंस भी अगर आप देखें तो कई बार भतीजे को हटा के लोग अपने बेटे को बैठा देते हैं, तो नेपोटिज्म तो है ही बंधु। जैसे मैं, मुझे जितने लोगों ने राय दी है, जितने लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग करते रहिए, जैसे आप जैसे लोगों से मिलते रहिए, एक ने सुनी दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी, तो किस बात लग जाए। रही बात टैलेंट की, तो मुझे लगता है आजकल तो मोटा मोटी सभी कोई टैलेंटेड हैं भाई। और ये जो सिनेमा एक्टिंग है वो कैरेक्टर्स मीडियम होता है, जैसे थिएटर की एक्टिंग जो है वो एक्टर्स मीडियम है। एक बार आप स्टेज पर उतर गए तो कोई आपको रोक नहीं सकता, अब आप ही आप हैं, जो आपको मन में आए कीजिए स्क्रिप्ट के दायरे में रहते हुए। लेकिन सिनेमा जो है उसमें क्या कितना दिखाया जाएगा और कब दिखाया जाएगा ये कैरेक्टर के हाथ में। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि करते रहिए, और कहीं ना कहीं मैं भाग्य को भी मानता हूँ, मेहनत तो आप करते रहिए लेकिन अगर भाग्य है तो सिक्का चल जाएगा, उसी को लोग टैलेंट कहते हैं।
ठीक बात है, ठीक बात है। नाम गिनना चाहूंगा। बहुत सारे अभिनेता ऐसे भी बहुत बड़े स्टार बन गए हैं जिनको मैंने एक्टिंग की तालीम ली है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे समझ के परे की एक्टिंग है। लेकिन भाई जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो सत्य है। ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं आपकी, मतलब अभी किस पे वर्क, किस पे चल रहा है आपका? मैं बंधु पिछले 2.5 सालों से शूट कर रहा हूँ बाहुबली, नेटफ्लिक्स का एक ओरिजिनल सीरीज है। अब तो फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज का जमाना आ गया है, तो ये जो बाहुबली फिल्म आई थी ये उसका प्रीक्वल है, मतलब पहली फिल्म से 20 साल पहले की कहानी है। और आरका मीडिया ही इसको प्रोड्यूस कर रहा है जिसने बाहुबली फिल्म को प्रोड्यूस किया। जी तो एक तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, एक अमेजोन प्राइम का मैं वेब सीरीज करने वाला हूँ, तनुजा चंद्रा जी उसको डायरेक्ट करेंगी, और ज्यादा बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में। और एक आध दो प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, पाइपलाइन इन सेंस की सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन अभी तारीख तय नहीं हो पाई। तो ये भी इस फील्ड में है कि जब तक चीज हो ना जाए तब तक बोलिए मत। ठीक बात है। अगर कोई इसमें भी नजरें लगती हैं कुल मिला के, जैसे लोग कहते हैं किसी काम की शुरुआत करने से पहले अगर आप बता दीजिए तो कहीं ऐसा ना कोई टोक लग जाए, कोई नजर लग जाए। भाई देखने का नजरिया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि काम मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया और उसके बाद वो काम नहीं हुआ। अब वो नजर लगी थी कि कुछ नेपोटिज्म चला था, कि पॉलिटिक्स हुई थी, या भाग्य खराब था, उस पर विद्वान मतभेद। अच्छा, मुझे द्विवेदी जी ये बताइए कि अभी आपने बताया कि आप वेब सीरीज में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और देखिए इस समय एक तरह से डिजिटल भारत अभियान चल रहा है, जिस तरह से इस कोरोना काल में डिजिटल भारत अभियान का एक रोल दिखाई पड़ा, इवन भारत के प्रधानमंत्री ने मंच पर से साफ तौर पर कहा कि डिजिटल भारत अभियान का जो उन्होंने पेड़ लगाया था वो इतना बड़ा हो गया इस कोरोना काल में, इतना काम आया कि अपने आप में उसने भी एक इतिहास लिख दिया। तो अभी आपने कहा कि वेब सीरीज में काम कर, कैसे देखते कितना मतलब इसका आपको दिखाई पड़ रहा, विस्तार कितना दिखाई पड़ रहा, क्योंकि आप मुंबई में बैठे हैं और इस समय थिएटर अधिकतर बंद है, मतलब बंद ही कुल मिला के, अभी कोई गाइडलाइन जब तक नहीं आती। उसी पॉइंट पे कह रहा हूँ। देखिए पहले तो मैं अपने स्वापेक्ष बोलूंगा। जी वेब सीरीज की जो खासियत है वो ये है कि फिल्म में जो है वो हीरो का दोस्त, एक तो हीरो हो गया, हीरो का दोस्त है वेब सीरीज में, लेकिन हीरो के दोस्त की माँ कौन है ये भी आपको पता लग जाता है। आप मेरी बात, किरदारों की जो जर्नी है या स्क्रिप्ट में सभी किरदारों के साथ न्याय, मतलब उनके सबके कैरेक्टर्स का बिगनिंग मिडिल एंड आपको सब देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये जो बड़ी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, या नेटफ्लिक्स ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, या हमारे यहाँ के भी जो हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म्स हैं, या हॉटस्टार है जैसे, या हिंदुस्तानी ऑल्ट बालाजी या और भी जो हैं, सबकी अच्छी बात ये है कि एक तो ये अब समय काल परिस्थिति, आप सही कह रहे हैं कोरोना आ गया है तो डिजिटली सब कुछ हो गया। उसके अलावा मुझे लगता है यार ये हम जैसे एक्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी आपको अपने अभिनय की क्षमता दिखाने का मौका भी मिलता है और साथ में काम भी बहुत बढ़ा है। ठीक बात तो है। ये आप पुराने प्रश्न पे मैं जाना चाहूंगा, तो इसका मतलब ये है कि पहले से मौके ज्यादा बने हैं और अब वो ठहरा नहीं रहा कि भाई गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा और ऐसा ही होगा और भारी आवाज या ऐसा होंगे, तो वही अब तो भाई हर किरदार की डिमांड है। आप कैसे दिखते हैं तो सकता है आप ही की जरूरत हो, तो पालक लोग ये भी देखें कि भाई मैंने पहले कहा था कि भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप आजमाए ना अगर आप में हुनर है तो। लेकिन हाँ पेशेंस लेके आना बहुत जरूरी है दोस्त, मतलब रातों रात किला नहीं बनता। ठीक बात है। किसी भी फील्ड की अगर आप बात कर लीजिए कि गौरव जी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक तरह से धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है, और अगर आप धैर्य रखेंगे और अपना एक तरह से दृढ़ संकल्प बना के चलेंगे कि नहीं मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। बट लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए आदमी को, और एक तरह से सार्थक करना चाहिए अपने प्रयास को। अच्छा गौरव जी, मुझे मैं संवाद में खुल कर बातचीत करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपके सफ़र के बारे में कि कहाँ से आपने शुरुआत की, क्या क्या किया आपने, और अभी इस मुकाम पर हैं आप। जी, मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इंदौर से मेलबर्न गया ऑस्ट्रेलिया अपनी आगे की पढ़ाई करने, जी और वो पढ़ाई बीच में छोड़ के मैं आ गया। मुझे कहीं 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 ना कहीं ऐसा लगा कि मैं रंगमंच करना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, और मैंने आके दिल्ली में थिएटर किया। और मैं पहले तो ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिन काम किया, फिर रेडियो जॉकी बन गया मैं रेड एफएम, अच्छा और उसके
बाद मैंने एफटीआईआई पुणे का इम्तिहान दिया और वो किस्मत से पास हो गया। एफटीआई में पढ़ाई की। एफटीआई के बाद हमने एक फाइनल प्ले किया था जो हमारे कोर्स का कम्बिनेशन था समाप्ति के दौरान, और वो ये केतन मेहता साहब और दीपा साही मैडम ने देखा और मुझे मेरी पहली फिल्म रंगरसिया मिल गई। अच्छा उसके बाद फिर बॉम्बे समर एक फिल्म थी, इंटरनेशनल फिल्म थी, वो की, और फिर माझी द माउंटेन मैन मिली, टोबा टेक सिंह, सुधीर मिश्रा साहब की इनकार। फिर मैंने डीडी पे गोरा नाम का सीरीज किया, वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब की किताब गोरा पे आधारित था। मैंने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी गोरा की, जी तो वो किया। और उसके बाद हाल ही में क्रिमिनल जस्टिस किया था पिछले साल हॉटस्टार पे, एक वेब सीरीज। और कुछ एड वैड बीच में आते रहे, तो ये सफर रहा। चलिए गौरव जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, सवाल क्या है, मैं मतलब उन न्यू कमर्स के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए जो इस समय बॉलीवुड में अपने अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, और कुछ टिप्स भी बता दीजिए उनको कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, इस फील्ड में अगर आगे जा रहे हैं तो क्या क्या करें वो। भाई मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता है, आपकी चमड़ी मोटी है, आप आसानी से आपको कोई विचलित नहीं कर सकता, जी और आप लंबे समय तक ठहर सकते हैं जिसमें आपका पारिवारिक सपोर्ट सिर्फ पैसे का नहीं मानसिक रूप से भी। लकीली मेरे घर पे मेरे पिताजी या मेरी बहन या घर का माहौल ऐसा है कि आपकी नाकामयाबियों पे भी आपको आंका नहीं जाता, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये वैसी फील्ड है कि आप एड के ऑडिशन भी दे के आए तो आपको बोल देते हैं नॉट फिट, या अरे नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, या बहुत अच्छा हो गया आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो भी आपका नहीं हुआ। तो जी मैं यही राय देना चाहूंगा कि जो भी आना चाहता है वो ये लोटा लंगोटा बांध के आए कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूंगा, तो जिंदाबाद है। कुल मिला के दृढ़ और संकल्प के साथ में आए। जी, आखिरी काम यही दिखता है कि भाई यही मैं करना चाहता हूँ, इसके बिना तो मर जाऊंगा, तो ही आना चाहिए। मतलब किसी भी काम के प्रति अगर मतलब फुल जुनून के साथ में, मतलब एक तरह से दृढ़ संकल्प के साथ में अगर आइए तो आप सोच लीजिए कि नहीं आपको यही करना, तब इस फील्ड में आप रहिए। अगर आपके अंदर कहीं कंफ्यूजन की स्थिति कहीं पे है तो आप कोशिश करिए कि पहले आप। ईश्वर ना करे, हो सकता है कई बार पारिवारिक प्रॉब्लम्स भी होती है ना। मतलब मेरे साथ भी बड़े टैलेंटेड एक्टर्स थे यार, जिनके साथ घर पे माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है, साथ में रहने की जरूरत है, या घर की देखभाल करनी है, जमीन देखने की जरूरत है, पैसा उतना नहीं है, अपना ही मानसिक द्वंद बहुत ज्यादा है, शादी कर ली है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे फतेह पाने के बाद कि अब बस यही है, वो जो भगत सिंह जी ने कहा था ना, आजादी ही मेरी दुल्हन है, तो वही वाली बात है कि अब यही है वो और कुछ नहीं। चलिए गौरव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सीधे हमारे साथ में मुंबई से लाइव जुड़े, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपके सारे सपनों को पूरा करे, और जो भी आप वेब सीरीज बना रहे हैं सुपर डुपर हिट हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे श्री बातचीत करने। नसीम जी, आपको और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बेहद बेहद प्यार और बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो ये थे गौरव द्विवेदी जो सीधे लाइव हमारे साथ में मुंबई से जुड़े थे। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया है, माझी में काम किया है इन्होंने, और बहुत सारी पिक्चर हैं, रंगरसिया उसमें काम किया है इन्होंने, और जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से हमसे बातचीत की इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। S7 के संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करिए, हमारे S7 पेज को लाइक करिए, आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए, और अभी कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं बनी तो आप मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।